तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। राज्य के कई हिस्सों में चल रहे आंदोलन की आज मुंबई तक पहुंच गई है। मुंबई में बंद के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। ठाणे के वेगल एस्टेट इलाके में एक सरकारी बस में तोड़फोड़ की गई तो आंदोलनकारियों ने ट्रेन भी रोक दी। ठाणे में दुकानों में प्रदर्शनकारी घुस गए और उन्हें जबरन बंद कराने की कोशिश की। मराठा क्रांति मोर्चा समन्वय समिति की तरफ से बुलाए गए बंद का असर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। सड़कें पूरी तरह से खाली हैं, यहां तक कि ऑटो रिक्शा भी नहीं चल रहे हैं। बंद में स्कूल कॉलेजेस, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस और मूलभूत सुविधाओं को शामिल नहीं किया गया है। मंगलवार को आंदोलन के दौरान 5 लोगों ने जान देने की कोशिश की, जिसके बाद आंदोलन हिंसक हो गया। आपको बता दें कि मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में आज बंद का ऐलान किया गया है। तो महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग हिंसक होती जा रही है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर कार में तोड़फोड़ की, जबकि दूसरी तस्वीर सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन की सामने आई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आंदोलन जो है वो हिंसक हो चला है। यहाँ गुस्साई भीड़ ने कार में तोड़फोड़ की, साथ ही साथ सड़क पर संग्राम देखने को मिला। यहाँ टायर्स में आग लगा दी गई। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि सुबह सरकारी बस में तोड़फोड़ भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई थी। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। पुलिस मुस्तैद है, पुलिस चेक पोस्ट तमाम जगहों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर पुलिस जो है वो इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने में नाकाम साबित हो रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। सरकार ने इस मामले में कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है और कहा है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आंदोलनकारी जो हैं वो लगातार हिंसक होते जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें मुंबई से हैं जहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और इन लोगों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। पुलिस मुस्तैद है और ये कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शन जो है वो हिंसक रूप ना ले। आपको बता दें कि एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गया था। तो मुंबई से मराठा आरक्षण पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज के आंदोलनकारी मुंबई में अलग अलग जगह पर रास्ता रोको कर रहे हैं। हम इस वक्त मुंबई के मानखुर्द इलाके में जहां पर पहुंचे हुए आंदोलनकारियों ने मानखुर्द से नवी मुंबई जाने वाली सड़क को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आंदोलनकारी सवेरे से ही आकर यहाँ पर बैठ गए हैं और हाथों में भगवा लिए ये आरक्षण की लगातार मांग कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार को भी कोस रहे हैं। हालांकि इस रास्ता जाम का असर ये हुआ है कि बहुत दूर तक जो है ट्रैफिक जाम नज़र आया जा रहा है। आप अगर मेरी दाईं ओर तस्वीरों के जरिए देख सकें तो ये सड़क दरअसल इनके आंदोलन की वजह से पूरी तरीके से रुक गई है। ये एक महत्वपूर्ण सड़क है जो कि नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ती है। इसके अलावा ठाणे से भी आने वाली गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से होकर गुजरती हैं। ऐसे में इस सड़क को जाम करना दरअसल मुंबई को एक व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के कोशिश का एक नतीजा दिखता है। फिलहाल आप आंदोलन की तस्वीरें देख सकते हैं, सड़कों पर ये आंदोलनकारी इकट्ठे हो गए हैं और इन्हें काबू में करने के लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर पहले से ही तैनात किया गया था। आप हर 2 मीटर की दूरी पर एक पुलिस वाला यहाँ पर मौजूद देख सकते हैं। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि इनका ये आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से ख़त्म हो जाए और ये आंदोलनकारी कोई उग्र रूप न ले लें अपने आंदोलन को पूरा करने की फिराक में, और यही कोशिश मुंबई पुलिस की सवेरे से नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है जिससे कि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके, हिंसक रूप ना ले प्रदर्शन, लेकिन कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। इस वक्त क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तस्वीर वहाँ पर? अंशिका, इस वक्त मैं मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ का मैं आपको अगर तस्वीर दिखाना चाहूँ, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे लोकल सिटी पुलिस हो, वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। अभी कुछ चंद मिनटों पहले यहाँ तकरीबन जो रिक्शा चालक यूनियन है वो यहाँ पर बाकायदा इकट्ठे हुए थे। रिक्शा चालक यूनियन जो है कई वो भी इस मराठा आंदोलन में शामिल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं, और इसी के चलते तमाम जो पुलिस कर्मचारी हैं वो आज सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुंबई की बात करें तो इससे पहले जो आंदोलन है पूरी तरह से इससे पहले मूक आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन का स्वरूप बदला और आंदोलन अब हिंसक हो चला है। जाहिर है यदि हिंसा होती है तो लोगों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ेगा और इसी के चलते
मुंबई पुलिस जो है वो जगह जगह पर डिप्लॉय कर दी गई है। मुंबई का जो कोना कोना है वहां पर मुंबई के पुलिस तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों को भी मौके पर बुलाया गया है। SRPF और दूसरी जो एजेंसियां हैं उनके जो जवान हैं उन्हें जगह जगह पर तैनात कर दिया गया है। कुछ जो कार्यकर्ता जो हिंसक आंदोलन करने पर उतारू हुए थे, आमादा हुए थे, उन्हें मुंबई पुलिस ने डिटेन किया है। इस तरह से पूरे मुंबई से अलग अलग हिस्सों से इस तरह के कार्यकर्ता जो हैं जिन्होंने हिंसक आंदोलन करने की कोशिश की उन्हें डिटेन करने का काम मुंबई पुलिस ने किया है। बहरहाल इस वक्त बोरीवली की बात करें तो बोरीवली में स्थितियां जो है सामान्य है, पुलिस बंदोबस्त जो है वो जबरदस्त है। जी बिल्कुल, तो पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है जिससे कि आप प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। शैलेंद्र शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।